बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मर। और यू स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 22 को, इसका टाइटल है इनहेरिटेंस। हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, कुछ मजीद बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं और साथ ही हम ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक टर्म, फिनोटाइप। देखिए स्टूडेंट, ये फिनोटाइप क्या चीज़ है? फिनोटाइप को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस और विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें और उस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस या विजिबल एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, यानी आपने ये देखना है कि वो ऑर्गेनिज्म आपको कैसा नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, के एक प्लांट है और वो प्लांट जो है वो टॉल है, तो उसके अंदर टालस है, तो जो टालस है वो उसकी फिनोटाइप है। और उसी के साथ एक दूसरा प्लांट अगर आप ले लें तो वो प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, और अगर वो प्लांट जो है वो ड्वार्फ है तो ये जो ड्वार्फनेस है इसको आप उसकी फिनोटाइप कह सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से आप अगर सीड शेप को ले लें, जैसे अगर हम पी प्लांट के सीड शेप देखते हैं, उसमें राउंडनेस नज़र आएगी, तो ये राउंडनेस उस पी प्लांट की फिनोटाइप है। और इसी तरह से रिंकलनेस को अगर आप देखें तो ये भी उस पी प्लांट की जो सीड है उसकी फिनोटाइप है। तो इस तरह देखेंगे, टालनेस, ड्वार्फनेस, राउंडनेस और रिंकलनेस, ये आपके पास कुछ फिनो टाइप्स हैं। फिर हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? देखिए स्टूडेंट, जीनोटाइप हम कहते हैं किसी ट्रेट के जेनेटिक मेकअप को। कोई भी ट्रेट, हाइट की ट्रेट है, शेप की ट्रेट है, कलर की ट्रेट है, तो हम ये देखते हैं कि उस ट्रेट का जेनेटिक मेकअप क्या है। तो जब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसको असल में हम कहते हैं उसकी जीनोटाइप। अब देखें जी, मैंने बात की ऊपर टालनेस की, तो टालनेस का मतलब है कि जी प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉल है, लेकिन जब हम उसकी जीनोटाइप को डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको जैसे मैं जीन देखता हूँ उसके, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी ये दो अलील उसके अंदर उसके जीन में प्रेजेंट है। इसी तरह से कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, तो टालनेस की फिनोटाइप नज़र आएगी। लेकिन ये दोनों जीनोटाइप्स जो है, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये उसकी जीनोटाइप है। इसी तरह से अगर आप ड्वार्फनेस को देखें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी ये ड्वार्फनेस की जीनोटाइप है। राउंडनेस जो है, यानी जो सीड के अंदर उसका जो राउंडनेस का करेक्टर है उसको अगर आप देखें तो कैपिटल आर इस तरह से कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। फिर रिंकलनेस को अगर आप देखें तो स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसको असल में हम कहते हैं जी जीनोटाइप। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम जेनेटिक्स को या इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से, जिसको हम जानते हैं। तो आए ज़रा ग्रेगर जॉन मेंडल की कुछ डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्लांट जो कि पी प्लांट था उसको क्यों सेलेक्ट किया, और साथ हम ये भी देख लेते हैं कि उसने कौन कौन सी पी प्लांट की जो ट्रेट्स हैं उसको सेलेक्ट किया था। Thank you.
स्टूडेंट्स, अब हम ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, बेसिकली प्लांट्स जो कि पी प्लांट उसने सेलेक्ट किए थे, उनका आपस में क्रॉस था। और दो तरह के क्रॉस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो क्रॉस है उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जो सेकेंड क्रॉस है उसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हाइब्रिड क्या चीज़ है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो पी प्लांट लिया, उस पी प्लांट के अगर आप फ्लावर को देखें तो स्टूडेंट्स, जो पी प्लांट है वो सेल्फ फर्टिलाइज्ड है। उसमें मेल पार्ट स्टेमन मौजूद है एक फ्लावर के अंदर, और फीमेल पार्ट कार्पल मौजूद है फ्लावर के अंदर। मेल से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल के स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में, उसी फ्लावर के अंदर ही ये जो पोलन ग्रेन है वो पहुंच जाते हैं फीमेल के स्टिग्मा तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये काम किया कि उसने कुछ प्लांट्स को मेल बना दिया, यानी उनके फीमेल पार्ट्स को रिमूव कर दिया, कार्पल को रिमूव कर दिया, और कुछ प्लांट्स को उसने फीमेल बना दिया, यानी उनके जो स्टेमन्स थे उनको रिमूव कर दिया। अब इनको क्रॉस करवाने के लिए उसने ये काम किया है कि उसने एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स को कैमल ब्रश के ज़रिए ट्रांसफ़र किया है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक, यानी उसका जो कार्पल का स्टिग्मा है वहाँ तक, और इस प्रोसेस को कहते हैं जी पोलिनेशन। अब ये जो पोलिनेशन है बन गई है जी क्रॉस पोलिनेशन, और इस क्रॉस पोलिनेशन के ज़रिए उसने दो प्लांट्स का आपस में क्रॉस करके और हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे अभी हम जो क्रॉस देखेंगे उसमें एक आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और दूसरे को हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड मोनो का मतलब वन है, और जो वर्ड है हाइब्रिड वो मैंने भी आपको बता दिया है कि मिक्सचर दो प्लांट्स का। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हाइब्रिड प्लांट बनाया गया तो उसमें कंसिडर किया गया सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट को, यानी उसके एक करेक्टर को कंसिडर किया गया। और अगर एक करेक्टर को कंसिडर किया जाता है तो देन आप उस क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे अगर आप हाइट की ट्रेट को ले लेते हैं तो जस्ट आप हाइट को ही कंसिडर करेंगे, उसके साथ कलर या शेप को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस किस्म के क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेट एट अ टाइम, यानी जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हम दो ट्रेट्स को एज एट अ टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब हम टू ट्रेट्स को एट अ टाइम डिस्कस करेंगे तो उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब ज़रा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से ये क्रॉसेस जो है वो करवाए गए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में हम देखते हैं, हम एक प्लांट ले लेते हैं और उसकी अगर आप फिनोटाइप देखें तो दैट प्लांट इज टॉल, और उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं कैसे प्लांट के साथ जो कि ड्वार्फ है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉल प्लांट है, अगर आप इसकी जीनोटाइप देखें तो ये जीनोटाइप इसकी होगी कैपिटल टी कैपिटल टी। हम अभी कैपिटल टी ले लेते हैं, और ड्वार्फ प्लांट जो है उसकी जीनोटाइप हम ले लेते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। अब फॉर एग्जांपल हम स्टाल प्लांट को मेल कंसिडर कर लेते हैं और ये ड्वार्फ प्लांट है ये फीमेल, क्योंकि मेंडल ने भी कुछ प्लांट्स को मेल बना दिया और कुछ को फीमेल बना दिया और फिर इनका आपस में क्रॉस करवाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि क्रॉस बेसिकली किन चीज़ों के बीच में होता है। तो पोलन ग्रेन को शिफ्ट किया जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो अब वो स्टिग्मा क्योंकि पार्ट है कार्पल का, तो कार्पल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको ओवरी कहते हैं, उसमें एग बनता है और एग एक गैमीट है, और पोलन ग्रेन के अंदर स्पर्म बनते हैं, स्पर्म भी गैमीट्स हैं। तो अब होता ये है कि हम ये कह सकते हैं कि गैमीट्स आपस में बेसिकली क्रॉस के दौरान फ्यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के दौरान होता ये है कि जब ये गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान ये जो जीन्स होते हैं जिसको मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया था, ये जो जीन्स होते हैं इनके अंदर जो अलील्स हैं
वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास जो गैमीट्स बनेंगे वो एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी वाला और दूसरा गैमीट भी जो है वो यहाँ बनेगा कैपिटल टी वाला। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स ड्वार्फ प्लांट के अंदर भी दो गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट बनेगा स्मॉल टी और सेकेंड गैमीट यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी के साथ। अब देखिए स्टूडेंट ये जो गैमीट्स हैं जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इनको आप कह लें स्पर्म्स हैं और ये आप कह लें जी एग्ज है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको कहता हूँ कि ये स्पर्म्स हैं एंड दीज आर द एग्स, और अगर ये फर्स्ट स्पर्म इस फर्स्ट एग के साथ मिल जाता है तो आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जायगोट बनेगा और वही जायगोट बाद में प्लांट के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स के ये जो कैपिटल टी वाला गैमेट यानी स्पर्म अगर इस एग के साथ मिल जाए, वंस अगेन कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी वाला प्लांट बनेगा। आप सेकंड स्पर्म को ले लें और ये जो स्पर्म है ये जब फर्स्ट एग के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट बनेगा। इसी तरह से देखें जी ये स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी वंस अगेन मिल गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट है इनको हम पी वन यानी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम देते हैं, और इनसे जो फर्स्ट फिलियल कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनी है उसकी अगर आप फिनोटाइप्स को देखें तो इस जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे टॉल 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 और ये टॉल, यानी ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जितने भी प्लांट्स यहाँ पे बने वो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो टॉल हैं, यानी F1 जनरेशन के अंदर तमाम के तमाम टॉल प्लांट है, ये इनकी फिनोटाइप है क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम F1 का क्रॉस F1 के साथ करवा देते, फॉर एग्जांपल आप यू करें क्रॉस करवा दें F1 का क्रॉस F1 के साथ, अब हम ले लेते हैं F1 में से एक प्लांट और उसकी जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल टी, इनमें से एक को मेल ले लें और एक को फीमेल। अब गैमीट्स बनाए, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी के साथ एक बनेगा स्मॉल टी के साथ, इसका भी एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी के साथ और दूसरा बनेगा स्मॉल टी के साथ। अब इसको हम इस तरह के स्क्वायर के ऊपर जिसको आप पनट स्क्वायर भी कह सकते हैं इसके ऊपर भी हम इस क्रॉस को करवा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपने एक साइड पे मेल के जो स्पर्म है फॉर एग्जांपल इनको मैं स्पर्म कंसीडर कर लेता हूँ, ये स्पर्म है और ये एग्स है, इस साइड पे मैं स्पर्म ले लेता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस साइड पे मैं एग्स ले लेता हूँ कैपिटल डी और स्मॉल टी। अब आप इनका क्रॉस करवाएं, लेकिन यहाँ से कैपिटल टी इधर से कैपिटल टी ये दोनों मिल गए, इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब अगर आप इनकी फिनोटाइप देखें तो ये आपको नजर आएगा टॉल, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज आल्सो टॉल प्लांट क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, दिस इज आल्सो अ टॉल प्लांट, और ये इसको अगर आप देखें तो ये आपको कैसे नजर आएगा ड्वार्फ। अब देखिए स्टूडेंट्स ये थ्री फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखें तो इस फिनोटिपिक रेशियो में आपको थ्री प्लांट्स मिल रहे हैं जो कि टॉल है और एक प्लांट आपको मिल रहा है ड्वार्फ। अगर हम इसकी ये रेशियो जो है वो देख लें, यानी हम यहां देख लेते हैं दो तरह के रेशियो, एक फिनोटिपिक और
देन हम रेशो देखते हैं जीनोटिपिक। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जनरेशन अभी बनी है, क्योंकि ये F1 और F1 का क्रॉस हुआ है, तो ये P2 प्लांट्स है, यानी सेकंड पेरेंटल जनरेशन। और ये जो जनरेशन अभी यहाँ पे बनी है, इसको हम F2 कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो F2 है, इस F2 के अंदर अगर आप फीनोटिपिक रेशियो ले लें, तो उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि अगर मैं लेता हूं तो टॉल प्लांट है और उसकी रेशियो ले रहा हूं ड्वार्फ के साथ। सब देखिए स्टूडेंट, जो टॉल प्लांट है वो कितने हैं जी? टॉल प्लांट्स आर 3 और ड्वार्फ कितने? 1। इनकी जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आएगी 3:1। अब ले लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो, इस जगह पे जीनोटिपिक रेशियो। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जीनोटिपिक रेशियो में असल में आपने क्या लेना होता है? जीनोटिपिक रेशियो में हम देखते होते हैं, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जी होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन, और तीसरी जो चीज़ हम देखते होते हैं वो है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अब स्टूडेंट्स आपने इस टेबल में देखना है, आपको होमोजाइगस डोमिनेंट एक नजर आ रहा है, कैपिटल डी होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील इसमें सेम है और डोमिनेंट कंडीशन है, तो इसको मैं रेशियो कह देता हूँ 1। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर आप देखें, प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी हेट्रोजाइगस, कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी हेट्रोजाइगस, तो ये कितने हैं जी? 2। और अगर आप ड्वार्फ प्लांट में देखें स्मॉल टी, यानी ये होमोजाइगस और रिसेसिव कंडीशन है जिसको मैं कहता हूँ 1, रेशो आ जाएगी 1:1, यानी 1:1 रेशो जो है वो आपको यहाँ पे गेन होती है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो 3:1 है और जो जीनोटिपिक रेशो है वो है 1:1। ये था स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस को, तो जैसा कि मैंने